फिर वो क्लास में उनकी पोजिशन कि एक बच्चा है उसकी नजर जब पति नहीं हो पीछे बैठे था उसको नजर ही नहीं आ रहा, तो इससे आपको हमारी इस एफर्ट से हमारी ये टारगेट है कि उन बच्चों का एक तो इलाज हो, दूसरा उनकी सीट एडजस्टमेंट करें कि जिनको नजर नहीं आता उनको आगे बैठाएं ना, ये आपका काम है सर। आपके साथ डेटा पूरे उनको आपके साथ डेटा पूरे शेयर करेंगे तो उनको री एडजस्ट करें क्लास सिटिंग पोजिशन में, एक तो इलाज होगा और एक सिटिंग पोजिशन, ताकि ये कौन के हमारी कौम है ना, ये हमारा मुस्तकबिल है, हम भी इसी तरह थे ना, अब जाने वाले में ये कौम ने टेक ओवर करना है, ये हमने एक कौम बनना है ना, है ना, तभी हम मुल्क कहते हैं वो, हम इस तरह की बातें नहीं करते कि मुल्क किसी के बाप का है तो फलाना, नहीं भाई मुल्क हम सारों का है और हम सब ने मिलकर उसकी हिफाजत करनी है ना, और अदारे की जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी, अदालत है, फौज है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मेडिकल है, असातिज़ा हैं, क्यों जी माशरे उलमा हैं, मीडिया है, जब माशरे के हर तबके की इज्जत जब हम नहीं करेंगे, इसका मतलब है हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बदत्यानत साबित हो, जरूरी ये बात है कि हम अगली नस्ल को तैयार करें अगले चैलेंज के लिए, जो आजकल साइंटिफिक मॉडर्नाइज किस्म का आज से 10 साल बाद देखो उनकी करियर काउंसलिंग में उनकी मदद करें। ये वो जमाना चला गया जब वालिद कहता था कि जी डॉक्टर पुत्र को डॉक्टर बनाना है, नो पुत्र हैज टू डिसाइड नाउ, है ना, स्कोप है कि कल्चर किस चीज की है, आप वो सियासतदान है, आप मलिक साहब जो है सरदार मुमताज साहब, सरदार मुमताज साहब अगर अपने बेटे को कहेंगे मैं डॉक्टर बनाऊंगा ज्यादा कर रहे हैं, उनके बेटे को ला करना चाहिए कि उस घर का माहौल ऐसा है, सियासत है, खिदमत खल्क है ना, और फिर ये है कि एक बंदा है पायलट बनना चाहता है, उसको कहता है मैं पुत्र को पायलट बनाऊ, उसको मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम है क्यों जी कि वो पायलट बन ही नहीं सकता, तो उसके 3 साल जाए हुए, तो हमने कैरियर काउंसलिंग वाला अगले स्टेप में मैं और कर्नल साहब बच्चों को इंशाल्लाह कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे, ताकि बच्चों को बता सकें कि अपना कैरियर कैसे सिलेक्ट करते हैं, और इसी तरह हमने अवाम अहमदाबाद फाउंडेशन स्कूल सिस्टम भी यहाँ शुरू करने लगे हैं, तो उसमें भी आपकी मदद चाहता हूँ।